आपका नाम क्या है? श्याम भजन। किस ग्राम पंचायत के रहने वाले? कोयली घाट। क्या मामला है आपका? जैसे हमारा मामला यही है कि जैसे हमने अपने पिताजी से दान पत्र में एक गाटा संख्या 299 का बैनामा करवाया था, तो वो माननीय रजिस्ट्रार के मैप में जो रोड से सटा कर दिखाया गया है, उसमें उनके मैप में दिखा रहा है कि रोड से सटा है, और मौके पर हमारा सटा नहीं है, आगे कुछ पट्टादार लोग हैं। तो उसका रिपोर्ट हमने लेखपाल अनीस कौशल के द्वारा मांगा, तो उन्होंने 15,000 रिश्वत लेने की बात कही। जो आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हाँ? क्या आपकी लेखपाल से वार्ता हुई है? हाँ हाँ हाँ, वो जो रिकॉर्डिंग है वो लेखपाल महोदय ने कहा है आपसे? हाँ, हमसे कहा है, उनका जो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद भी है, हमारे मोबाइल में है। मुझे 15,000 दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लगा हाँ, देंगे। आपके खिलाफ रिपोर्ट लगा देंगे। क्या खिलाफ लगा देंगे? जैसे यही खिलाफ लगा देंगे कि आपको मतलब रोड का सटा है, जिसमें हमारा ज्यादा काफी ज्यादा नुकसान होगा और हमको भरपाई करना पड़ेगा, यही करके। और अगर बचाना चाहते हो तो हमको 15,000 दो, नहीं तो फिर आप को जुर्माना देना पड़ेगा। एक चर्चा ये भी है कि आय के लिए भी पैसा लेते हैं, 500-500 रुपया, क्या ये सत्य है? हाँ, बहुत लोग से सुना है कि आय प्रमाण पत्र, जैसे निवास वगैरह अगर कोई लगाता है तो उसको खारिज करके और उससे पैसे की मांग करते हैं। आपने किन किन अधिकारियों से अपनी शिकायत किया? हमने माननीय उप जिला अधिकारी से कहा, ऑनलाइन भी किया, IGRS पे डाला, तो मतलब हमको उनसे कोई कार्रवाई नहीं मिली अभी तक। क्या शिकायत जब आपने किया, किसी दूसरे को जांच दिया गया कि उसी लेखपाल से रिपोर्ट लगवा दिया गया? नहीं, उसी वही जो IGRS पे डाला उसी लेखपाल से रिपोर्ट लगा दिया, दूसरे लेखपाल को नहीं दिया गया। किस किस डेट में आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जैसे हमने एक बार पहली बार दिया है 10/2/2024 को, उसके बाद फिर दोबारा दिया है 12/3/2024 को, फिर हमने कल दिया है DM साहब को 15/3/2024 को। 10/2/2024 को जो आपने प्रार्थना पत्र दिया, हाँ, उस पर क्या निस्तारण हुआ? उस पर निस्तारण कुछ नहीं हुआ, जैसे उन्होंने लेखपाल से रिपोर्ट लगा कर यही भिजवा दिया, लेखपाल उस पर लिख दिया कि इनका मौके पे जो रोड से सटा है, और जो मौके पे हमारा रोड से सटा नहीं है, रोड के बगल में है, रोड के बगल में कुछ पट्टादार है, उसके बाद फिर हमारा है। और कोई आपके साथ जो जबरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है, या हम लोग भी आपके साथ कोई जबरदस्ती तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बाद में आप बयान देने के बाद वापस आप जो है सुलहनामा करवा ले तो इसमें क्या नाम है समस्या होने की संभावना रहे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।